नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बांगरमऊ उन्नाव। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। कहते हैं सभी 12 मासों में सावन मास विशेष होता है। वैसे तो प्रतिदिन भगवान को प्रिय होते हैं, लेकिन सावन मास का सोमवार भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष दिन माना जाता है। ऐसे में आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही बाबा बोधेश्वर मंदिर, पंचेश्वर मंदिर सहित नगर के सभी शिव मंदिरों शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के बांगरमऊ के पश्चिमी छोर पर स्थित बाबा बोधेश्वर मंदिर में बने शिवलिंग की विशेष मान्यता है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया है। मान्यता के अनुसार नेवल के राजा द्वारा बाहर से यह पंचमुखी शिवलिंग मंगाया गया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया धस जाने के कारण उस बैलगाड़ी को कोई भी नहीं निकाल पाया। तब स्वयं बाबा भोलेनाथ ने यहां के राजा को स्वप्न में इस पंचमुखी शिवलिंग को यहीं पर स्थापित करने का आदेश दिया था। सावन मास में प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ रहती है। सावन मास में हजारों कांवड़ियों की भीड़ यहां पर जलाभिषेक करने आती है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग जहां पर स्थापित है, यहां पर जंगल था। बाबा बोधेश्वर पुजारी ने बताया कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। लगभग 50 सालों से इस मंदिर की पूजा अर्चना मेरे द्वारा की जा रही है। सावन माह में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ पंकज कुमार सिंह द्वारा मंदिर परिसर के अंदर और बाहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहां पर बांगरमऊ थाने की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है, तथा सुरक्षा व्यवस्था की कमान क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ पंकज सिंह द्वारा खुद अपने हाथों में संभाली हुई है। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, बांगरमऊ उन्नाव। बुलाना है अरे बाबा अपने आप बसे हैं, बाहर जा रहे यही घूमते यही सबसे यहाँ हैं। ये 10,000 पुराने मंदिर है। हम 50 साल से इनकी सेवा कर रहे हैं। जो हम लोग अपनी कामना करते हैं, इनकी कामनाएं पूरी होती हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।